जश्न है टिकट मिलने का। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं। दरअसल बीजेपी आलाकमान ने जैसे ही हरियाणा के लिए 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, वैसे ही सोनीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बीजेपी ने वर्तमान मेयर निखिल मदान को सोनीपत से अपना प्रत्याशी जो बनाया है। इसलिए ढोल की थाप पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया और डांस करते हुए काफी वीडियो भी सामने आए। जैसे ही बीजेपी की पहली सूची में मेयर निखिल मदान को सोनीपत से अपना प्रत्याशी घोषित बीजेपी ने किया, वैसे ही मेयर निखिल मदान के सेक्टर 14 स्थित कार्यालय में समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हुजूम लग गया। उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर निखिल का जोरदार स्वागत भी किया। निखिल मदान को टिकट मिलने से उनके समर्थकों में खुशी है, उमंग है और चुनावी मैदान फतेह करने का जज्बा भी। अपनी इसी खुशी को समर्थकों ने पटाखे जलाकर और मिठाइयां बांटकर सेलिब्रेट किया। वहीं पार्टी की तरफ से खुद को भरोसा जताने के लिए निखिल मदान ने पार्टी के आलाकमान का आभार भी जताया। आज सोनीपत से मेरे को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोनीपत विधानसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पे मैं सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, हमारे हरियाणा के अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी का, हमारे हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी का, विप्लव देव जी का, सतीश पुनिया जी का, सुरेंद्र नागर जी का, मैं इन सबका और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज मेरे पे अपना विश्वास जताया है और सोनीपत से मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनकर सोनीपत की जनता के बीच में भेजा है। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, खास मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे, सोनीपत को कैसा देना चाहते हो? हमारे सोनीपत के अंदर जो हमारे विकास का मुद्दा है, मैंने पहले भी कहा है और मैं आज फिर इस बात को बोलना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जो हमारे शहर के विकास का मुद्दा है, हमारे सोनीपत की आवाज़ है जो बहुत समय से चंडीगढ़ तक नहीं पहुँची थी, उन सब मुद्दों के ऊपर ये हमारे सोनीपत के विकास का चुनाव है और यही जो हमारे शहर के मुद्दे हैं, इन सब को लेकर मैं चंडीगढ़ जाकर सोनीपत की जनता की आवाज उठाने का काम। इसके साथ ही निखिल मदान ने सोनीपत की जनता से भी उनका समर्थन करने की अपील की। उन्होंने सोनीपत वासियों को भरोसा दिलाया कि जिस तरीके से उन्होंने सोनीपत का मेयर रहते हुए जनता की सेवा की, वैसे ही सोनीपत का विधायक बनकर लोगों की हर संभव मदद करने को हमेशा तैयार रहेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनीपत सीट पर बीजेपी ने 20 साल बाद फिर से पंजाबी कार्ड खेला। बीजेपी ने खोई सीट को दोबारा पाने के लिए अपने पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया। वहीं 2 महीने पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए निखिल मदान पर बीजेपी आलाकमान ने भरोसा जताया, जिसे लेकर राजनीतिक के जानकारों का कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सोनीपत सीट पर पंजाबी वोटर्स का वर्चस्व है। पुराने नेताओं की एंटी इनकम्बेंसी का खतरा और सोनीपत के कैंडिडेट सर्वे में 40% लोगों की पहली पसंद निखिल मदान का होना बताया गया। खैर, जल्द ही चुनाव होंगे और नतीजे भी सबके सामने होंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि बीजेपी ने सही कैंडिडेट पर दांव लगाया है या फिर नहीं। आपका क्या कहना है इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।